हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई रोल, ब्रेड क्रीम रोल भी बोल सकते हो, मलाई रोल भी बोल सकते हो, जो भी बोलो। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आता है। तो चलिए मैं शेयर करूँगी अब आपसे इसकी रेसिपी। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है गाइज, मैंने भी खाया था। ये ऊपर से मैंने मिल्क में डाला है जिससे उसका टेक्स्चर जो है मीठा मीठा हो गया। और बिना चीनी के बनाऊंगी गाइस। इसको देखो, ये मैंने मलाई ले लिया दूध की उतार के। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करूंगी। ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा वो नारियल का बूरा ये ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। ऐड करके इसको मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए गाइस, अभी हमने ले लिया ब्रेड। ब्रेड को हम चारों कॉर्नर से काट लेंगे। इसके जो कॉर्नर है ना, ये हटा देंगे क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा रोल है वो रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसके चारों कॉर्नर्स काट देंगे। सॉरी गाइस, वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत हो रहा है। अच्छे से कटिंग कर लेंगे। ये कट चुके हैं। अब इसको हम बेलन से इस तरीके से अच्छे से बेल लेंगे ताकि एकदम स्मूथ ही और बिल्कुल प्लेन हो जाए, जिससे कि ये रोल हो जाए आसानी से। इसलिए मैंने इसको बेला गाइस इस तरीके से। देखिए जी, अब सब बेल चुके हैं। अब हम इसमें लगाएंगे जो हमारे क्रीम का हमने अभी पेस्ट बनाया, ड्राई फ्रूट्स और क्रीम का। अच्छे से लगा लेते हैं इस पर। कैमरा सेट कर रही थी गाइस, सॉरी, प्रॉब्लम हो रही होगी बहुत। अच्छे से इस पर लगा लेंगे। और ये मैंने बनाया था, मैंने अपने बेटे को खिलाया था, उसको बहुत अच्छा लगा था, ये बहुत ही बढ़िया। पर लग चुका है, उसको हम कर लेंगे रोल। और मैंने उसी जो क्रीम का वो मैंने पेस्ट बनाया था ड्राई फ्रूट्स के साथ, उसी में मैंने मिल्क मेड भी ऐड करा था, मिल्क मेड। अब ये रोल ऐसे बनाना है, ऐसे करके मैं सारे रोल रेडी कर लूँगी। सारे रोल्स यूं ही हमें रेडी करने हैं। और ये मैं कर चुकी हूँ, अब हम इसकी कर लेंगे प्लेटिंग। ये इसमें से मैं मिल्क मेड डाल ली थी पर वो निकल ज़्यादा रहा था, मुझे थोड़ा डालना था, इसलिए मैंने चम्मच में लेके इस तरीके से डाला इसमें गाइस। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये इसी तरीके से आप भी डालना। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। मानसी रेसिपी ब्लॉग्स, मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग यूनिक और टेस्टी रेसिपीज लाती रहूँगी। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।